मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आई एम योर जीके टीचर एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू जीके ऑफ क्लास 8। एंड टुडे वी डू चैप्टर 43 इंडियन लैंग्वेज राइटर्स एंड चैप्टर 4 लैंग्वेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीन द बुक। दिस इज योर जीके बुक ऑफ क्लास 8 एंड ओपन चैप्टर नंबर 43। दिस इज द चैप्टर नंबर 43 एंड पेज नंबर 49। 43 इज इंडियन लैंग्वेज राइटर्स। इस चैप्टर में बच्चों हमारे इंडिया में बहुत फेमस राइटर्स हैं जिन्होंने अलग अलग लैंग्वेज में अपने उन्होंने पोएम लिखी हैं, स्टोरीज लिखी हैं, जीवनी लिखी हैं। तो किस राइटर ने किस लैंग्वेज में लिखा है, तो हमें वो लैंग्वेज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। नाउ सी, फर्स्ट इज रसिक विहारी जोशी, हरिनारायण दीक्षित, विश्वनाथन शास्त्री। ये हमारे फेमस राइटर हैं और इन्होंने किस में किस लैंग्वेज में लिखा है, संस्कृत लैंग्वेज में। तो यानी कि ये जो हमारे राइटर हैं ये संस्कृत लैंग्वेज के राइटर हैं। सेकेंड इज सोमनाथ जुटसी, हरिकृष्ण कौल, गुलाम नबी गौहर। इन्होंने जो भी लिखा है वो किस लैंग्वेज में लिखा है, कश्मीरी, यानी कश्मीरी लैंग्वेज के राइटर हैं जो भी ये नाम हैं। थर्ड है गुरदेव सिंह, नरेंद्र पाल सिंह, वरयम सिंह। ये जो हमारे राइटर हैं फेमस राइटर, इन्होंने पंजाबी लैंग्वेज में लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर, महाश्वेता देवी, विभूति भूषण बंडोपाध्याय, ये भी हमारे फेमस राइटर हैं। इन्होंने किस लैंग्वेज में लिखा है, बंगाली। इसी तरह से फाइव में यू आर अनंत मूर्ति, के शिवराम करांत, गिरीश कर्नड। ये जो हैं हमारे कन्नड़ लैंग्वेज के राइटर हैं, यानी कि इन्होंने जो लिखा है वो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जयंत कोठारी, हिमांशु शेल्टर, बिंदु गिरिधर लाल भट्ट। ये जो राइटर हैं ये हमारे गुजराती लैंग्वेज के राइटर हैं, यानी कि इन्होंने जो लिखा है वो गुजराती लैंग्वेज में लिखा है। हेमा नायक, गोकुलदास प्रभु, चंद्रकांत कैनी। ये राइटर किस लैंग्वेज के हैं, ये हैं कोंकणी लैंग्वेज के राइटर। इसी तरह से कल्कि, ना पर्था शरार्थी, सुब्रमण्य भारती। ये जो राइटर हैं ये हैं तमिल लैंग्वेज के, यानी कि इन्होंने तमिल में लिखा है। सरस्वती देवी, कालीपट्टनम रामाराय, टी गोपीचंद। ये जो राइटर हैं ये हैं तेलुगु लैंग्वेज के राइटर। इसी तरह से टेंथ में थकासी शिवशंकरा पिल्लई, एम टी वसुदेवन नायर एंड मोहम्मद बशीर। ये जो राइटर हैं ये हैं मलयालम लैंग्वेज के फेमस राइटर। इसी तरह से सफदर हाशमी, कैफी आजमी, नैयर मशहूद। ये जो राइटर हैं ये हैं हमारे उर्दू लैंग्वेज के राइटर। इन्होंने उर्दू में बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, कृष्ण शोक्ति। ये जो राइटर हैं ये हमारे हिंदी लैंग्वेज के राइटर, इन्होंने हिंदी में लिखा है। तो बच्चों ये जो हमारे राइटर्स के नाम हैं उनके हमने आपको लैंग्वेज बताई कि उन्होंने किस लैंग्वेज में लिखा है। नाउ ओपन नेक्स्ट चैप्टर 44। सी, दिस इज द चैप्टर नंबर 44 लैंग्वेज।
पेज नंबर 50। यहाँ पे हम लैंग्वेज के बारे में आपको बताएंगे। इस चैप्टर में बच्चों हम आपको कुछ अलग अलग लैंग्वेज के बारे में बताएंगे कि हम उनको किस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। बच्चों ऐसी लैंग्वेज जो राइट से लेफ्ट में लिखी जाती है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट है, तो यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे, ऐसे लिखते हुए हम इधर की साइड आएंगे, यानी कि राइट से शुरू करना है लेफ्ट की तरफ। तो राइट से लेफ्ट की तरफ जो लैंग्वेज लिखी जाती है वो है अरेबिक लैंग्वेज, यूज्ड एज अ बुद्धिस्ट कैनोनिकल लैंग्वेज बिकॉज बुद्धा अपोज्ड द यूज ऑफ संस्कृत। यहाँ पे जो बुद्धिस्ट को मानते हैं वो जिस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो संस्कृत को यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए वो लैंग्वेज है उनकी पाली, यानी कि जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं जो बुद्ध भगवान को मानते हैं उनकी लैंग्वेज है पाली। लैंग्वेज दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फ़ाबैट्स। ऐसी लैंग्वेज जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ाबैट होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज है, वो है कंबोडियम। ये एक लैंग्वेज का नाम है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ाबैट यूज़ किए जाते हैं, क्या है, कैम्बोडियन। नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ राइटिंग वर्ड पिक्चर्स विच मीन्स सैकर्ड कार्विंग। इसमें जो लिखने का सबसे पुराना तरीका है, जो वर्ड पिक्चर है, उसका नाम है सैकर्ड कार्विंग। तो ये कौन सी लैंग्वेज है, यह है हेरोग्लाइफिक्स। नेक्स्ट इज अ लेबोरेटरी क्रिएटेड इंटरनेशनल लैंग्वेज विद स्मॉल साउंड सिस्टम एंड फ्यू ग्रामेटिकल रूल्स। यहाँ पे एक लेबोरेटरी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाती है जो कि बहुत ही कम साउंड और उसमें कुछ ग्रामेटिकल रूल्स के साथ। तो वो कौन सी लैंग्वेज है, वो है लॉगलैन। लैंग्वेज यूज्ड बाय ब्लाइंड फॉर रीडिंग। अंधों के लिए जो भाषा यूज़ की जाती है पढ़ने के लिए वो है ब्रेल। द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे पुरानी भाषा है तमिल। मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज में यानी कि इंग्लिश भाषा में जो कॉमन वर्ड है जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो है दी, THE। आर्टिफिशियल इंटरनेशनल लैंग्वेज क्रिएटेड एज अ यूनिवर्सल सेकेंड लैंग्वेज टू फोस्टर पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। आर्टिफिशियल इंटरनेशनल लैंग्वेज ने एक यूनिवर्सल सेकेंड लैंग्वेज बनाई है जो कि शांति बनाए रखती है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर समझने में ईजी रहती है, वो है एस्पेरेंटो। द ओल्डेस्ट लैंग्वेज प्रिसाइडेड इन राइटिंग। सबसे पुरानी भाषा जो लिखने के लिए प्रिसाइड की गई थी वो है सुमेरियन लैंग्वेज। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज लेटर इन इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा लेटर यूज़ किया जाता है ई, यानी ई लेटर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंग्लिश भाषा में। लैंग्वेज यूज बाय डीप एंड डम पीपल। जो बहरे और गूंगे लोग होते हैं उनके लिए जो भाषा होती है, यानी कि जो भाषा यूज़ की जाती है गूंगे और बहरे लोगों के लिए, वो है साइन लैंग्वेज, यानी इशारे करके जो बात की जाती है। लैंग्वेज विद द रिचेस्ट वोकैबुलरी एंड ऑल्सो एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। मतलब ऐसी भाषा जो सबसे ज़्यादा उसमें वोकैबुलरी होती है और इंटरनेशनल लैंग्वेज पे उसको यूज़ किया जाता है, यानी कि हर जगह वो भाषा यूज़ की जाती है, सभी लोग उसे समझ लेते हैं और उसे बोल लेते हैं, वो लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश। लैंग्वेज विद द लीस्ट लेटर। ऐसी भाषा जिसमें कम सबसे कम
लेटर होते हैं यानी कि सबसे कम अक्षर होते हैं वो है हवाइन। उसमें ओनली 12 लेटर्स होते हैं, सिर्फ 12 अक्षर होते हैं। एन एंशिएंट लैंग्वेज विच इज द बेसिस ऑफ मोस्ट इंडियन लैंग्वेज, सबसे पुरानी भाषा जो कि हमारी भारतीय भाषा पर निर्भर है वो है हमारी संस्कृत। यानी कि सबसे पुरानी जो भाषा है वो है हमारी संस्कृत और उसी पर सारी भाषाएं हमारी आधारित हैं। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर हमारे लैंग्वेज के बारे में था कि किस तरह से कौन सी लैंग्वेज के बारे में की जानकारी ली। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।